तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों Realme 2 Pro में कलर स्टेबल अपडेट आ चुका है, आप देख सकते हो RMX 1801 और यहाँ पे 8.21 का अपडेट अभी मिल चुका है। और सिक्योरिटी पेज अपडेट की बात करेंगे तो आपको 5 मई का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी सब के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल में मोबाइल अवेलेबल नहीं था, ये मेरे फ्रेंड के पास आया था तो उसने बना के भेजा है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एंड्रॉयड पाई का स्टेबल अपडेट आ चुका है कलर OS 6 के साथ। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर GCam भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, GCam के बारे में भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बिना किसी स्केप के देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में आपको आना पड़ेगा, इसको पहले ऑन करना पड़ेगा अगर आपको GCam का ऑप्शन चाहिए तो। और जो बाकी की जो डिवाइसेज है Realme 1 U1 उसमें आपको इनेबल डिफॉल्ट मिलता है, बट यहाँ पर आपको कैमरा हॉल 3 का जो फंक्शन है यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा खुद जाके। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनेबल आपको नहीं मिलेगा, तभी जाके GCam यहाँ पे आपका वर्क करेगा, नहीं तो GCam ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐप स्टोर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी जो ऐप्स है प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है कलर OS 6 में। और यहाँ पर आपको बहुत सारी और भी गेम्स जो है, जो ऐप्स है, जैसे कि Realme 1 में प्रोवाइड की गई थी पहले जो ओप्पो के जो गेम सेंटर वगैरह थी, जो ऐप्स थी, ये भी यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगी। वो एक बात अलग है कि यहाँ पे जो नाम है Realme का आएगा, पहले ओप्पो का था, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे तो ये अननेसेसरी है, आप ये सब चीज़ें यहाँ पे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये अपडेट आया है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको Realme कम्युनिटी ऐप भी देखने को मिल जाएगी प्री इंस्टॉल। तो ये दोस्तों ये जो अपडेट है 8.21 जो स्टेबल अपडेट है, इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मैन्युअली भी वहां से अपडेट कर सकते हैं। तो यहां पे आपको स्मार्ट सर्विस में जाएंगे तो यहां पे आपको ड्राइविंग मोड और राइडिंग मोड के भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ये इंप्लीमेंट यहां पे किया गया है। और अगर मैं GCam के बारे में बात करूँ तो GCam मैंने यहाँ पे बेस्ट GCam इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे सारे के सारे जो फंक्शन है GCam के वर्किंग करते हैं। अगर आपको Realme 2 Pro के लिए GCam होना बेस्ट तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और Realme की मोस्ट जैसे है उसकी भी लिंक आपको GCam की मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सारे Realme के डिवाइस के जो GCam है उसकी जो वीडियो है बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैमरा सेक्शन है, पोर्ट्रेट है, वो पैनोरामा मोड है, वो सारे के सारे फंक्शंस जो है वो वर्क कर रहे हैं बहुत ही स्मूथली, कोई भी बग्स यहाँ पे आपको GCam में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कैमरा सेक्शन के बारे में बात करूँ, यहाँ पे लेंस ब्लर है, पैनोरामा मोड है, ये सारे के सारे इजीली यहाँ पे वर्क करते हैं। तो अगर मैं वीडियो सेक्शन के बारे में बात करूँ तो दोस्तों ये भी यहाँ पे वर्किंग पोजीशन में, और व्यू मोड में जाएंगे तो जो नाइट साइट का ऑप्शन है ये भी आपको वर्किंग पोजीशन में मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है GCam की उसमें मिल जाएगी। अगर आप सेटिंग में होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन में जाओगे तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि Realme 2 Pro में पहले देखने को नहीं मिलता था। तो लॉक स्क्रीन मैगजीन का सपोर्ट यहाँ पे दे दिया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई है। आपको यहाँ पर अब थीम स्टोर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि पहले नहीं मिलता था। तो बहुत सारी ऐप्स जो है प्री इंस्टॉल है, स्टेबल वर्जन है, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं बग्स हैं उसको फिक्स किया गया है यहाँ पे स्टेबल वर्जन में। तो दोस्तों स्टेबल वर्जन अगर आप OTA का वेट करोगे तो मिल जाएगा, बट आपको मैन्युअली करना है, जल्दी करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वहाँ से भी Realme की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। अब चलिए दोस्तों Realme 2 Pro में जो मैंने GCam इंस्टॉल किया है उसके भी कुछ सैंपल्स देख लेते हैं। ये पिक्चर मैंने GCam के फ्रंट कैमरे से लिए पोर्ट्रेट मोड में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो GCam है फेमस है पोर्ट्रेट मोड के लिए, तो एज डिटेक्शन के मामले में तो यार बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, और यहाँ पे कलर सेचुरेशन भी काफ़ी अच्छा आता है। अब ये जो फोटो है दोस्तों GCam के रियर कैमरे से ली गई है Realme 2 Pro द्वारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी एज डिटेक्शन के मामले में GCam अगेन बेस्ट है। अब ये जो फोटो है यहाँ पे GCam के रेयर कैमरे से ली गई है, आप डायनेमिक रेंज देख सकते हो, काफ़ी अच्छे स्काई टोन भी अच्छी है। ये फोटो भी GCam के रेयर कैमरे से ली गई है, यहाँ पे भी आप कलर देख सकते हो काफ़ी अच्छे आए हैं। और ये जो फोटो है ये नाइट में ली गई है, जो नाइट साइड मोड है वो ऑफ है इसमें। अब यहाँ पर जो है फोटो ये जो है नाइट साइड मोड ऑन करके ली गई, तो आप देख सकते हो काफ़ी दिन तरीके से जो फोटो आती है वैसी ही आई है। तो आप भी GCam फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए अपने Realme 2 Pro में अगर आपको कलर OS 6 का अपडेट
अपडेट मिल गया है, नहीं मिला है तो मैन्युअली कर लीजिए, और OTA अपडेट का वेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए, वंदे मातरम।